खबर झारखंड से है, जहां दुमका में 12वीं की छात्रा अंकिता के लिए इंसाफ की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने अंकिता पर तेल डालकर आग लगा दी थी। 5 दिन बाद अंकिता की अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए और हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। झारखंड के दुमका में यह हंगामा अंकिता नाम की लड़की की मौत के बाद मचा है। एक युवक ने उसे सिर्फ इसलिए जलाकर मार डाला क्योंकि अंकिता ने उससे बात करने से इनकार कर दिया था। स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों ने हत्या के खिलाफ पूरे शहर में मार्च निकाला और दुकानें बंद करवा दी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अंकिता के कातिलों को फांसी मिले। स्थानीय लोग भी प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोगों ने हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला जलाया। अब आपको बताते हैं गुस्सा क्यों फूट रहा है। दरअसल 12वीं की छात्रा अंकिता पर शाहरुख नाम के लड़के ने उस वक्त पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जब वो अपने घर के कमरे में अकेली सो रही थी। ये वारदात 23 अगस्त को हुई। अंकिता के चीखने पर उसके घर वालों की नींद खुली और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत बिगड़ने पर अंकिता को रांची के रिम्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने रविवार को दम तोड़ दिया। मौत से पहले अंकिता ने जो बयान दिया उसमें उसने शाहरुख और उसके भाई पर सीधा आरोप लगाया। परिवार का भी कहना है कि अंकिता को मोहल्ले में ही रहने वाला शाहरुख परेशान किया करता था। शाहरुख उससे जबरन प्यार की बात करके शादी का दबाव डाल रहा था। अंकिता ने जब मना कर दिया तो शाहरुख ने उसे जान से मारने की धमकी दी और मौका देखकर आग के हवाले कर दिया। धमकी दिया कि तुमसे बात नहीं करी तुमको मार देंगे जान से। कि कब से इस तरह से वो पीछा कर रहा था? सर मेरी बहन तो हमको बताई कि 10-15 दिन से कर रहा था। ये अचानक से वो शाहरुख जो पीछा करने लगा था? हाँ, मतलब पीछा कर रहा था स्कूल तरफ, ट्यूशन तरफ, फिर नंबर वंबर लेके उसको फ़ोन वोन करता था। उसके बाद फिर ये बात नहीं करें तो वो उसको धमकी देने लगा। तो धमकी दिया तो ये पापा को बोली, तो फिर पापा बोले ठीक है हम सुबह देखते हैं। तब तक सुबह खिड़की से पेट्रोल छींट के आग लगा दिया। पता था कि हाँ बदमाश टाइप का है। अच्छा, वो सब लड़की के साथ ऐसे ही करता, सब लड़की को फंसा फंसा के उसको करता। चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी तो उसके लिए कम है। जैसे मेरी बहन तरफ तरफ के मरी ना, उसको उससे भी ज्यादा बड़ी सजा मिली। फिर आग कैसे लगाया? आग लगा वहाँ से बीघा पेट्रोल फेंक के सलाई मार दिया। वो यहाँ सुता हुआ था। पुलिस ने आरोपी को आग लगाने की वारदात के बाद ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पकड़ में भी आरोपी की अकड़ कम नहीं हुई, उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं झलक रहा। लड़की जो का डेथ हुआ, आज डेथ हुआ, और इससे पूर्व जो केस हुआ था जिसमें वो इलाजरत थी उसके बाद में, और इसके पश्चात सेम डे जो अक्यूज्ड है शाहरुख उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।